खतरनाक और खौफनाक डेंगू ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लंबी कतारें और घंटों का इंतजार। और ये हालात सिर्फ पिछड़े जिलों या गांव के नहीं है, बल्कि हाईटेक मेट्रो सिटीज में भी मच्छरों का जाल फैला हुआ है। खबर दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां 28 साल की महिला डॉक्टर की डेंगू से मौत की पुष्टि हुई है। सेक्टर 122 में रहने वाली होम्योपैथिक की डॉक्टर अक्षिता सिंह को तेज बुखार हुआ, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। डेंगू की संभावना के चलते रक्त के नमूनों की जांच हुई, जिसमें डेंगू की पुष्टि हो गई। जिले में डेंगू से ये पहली मौत है। हालांकि विभाग की ओर से अब तक डेंगू से मौत की पुष्टि नहीं की गई है, मगर अस्पताल के डॉक्टर क्या कह रहे हैं सुनिए। जी, ये एक वो डॉक्टर है, ये अक्षिता थी इनका नाम, और ये सेक्टर 122 की रहने वाली है। 29 साल इनकी उम्र थी। ये 2 तारीख को कैलाश में एडमिट हुई थी और 3 तारीख को इनकी डेथ हुई है। तो अभी तक जो प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इनका IgM एंटीबॉडी जो है पॉजिटिव था एलिसा से, तो ये डेंगू पॉजिटिव है। और कॉज ऑफ डेथ जो बताया गया वो डेंगू शॉक सिंड्रोम बताया गया विद मल्टी ऑर्गन फेल्योर। इनका लीवर किडनी सब खराब थे, वो रिपोर्ट भी हमारे उसकी अवेलेबल है। देखिए, पुष्टि तो हमारे पास हो गई करीब 400 मरीजों की, लेकिन अगर एक्टिव की बात करें तो वो लगभग इस समय 150 के आस। देखिए, रोकथाम के वही हैं जो हम हर बार कहते रहे हैं कि मच्छर के काटने से अपने आप को बचाएं। इसके लिए कि पहले तो पानी एकत्र ना होने दें, साफ पानी भी स्पेशल ध्यान दें, घर में घर के आसपास साफ पानी एकत्र ना होने दें, और उसके अलावा मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरी बाजू के कपड़े जो है पहने, और आप जो है जो एक्सपोज पार्ट है उसके ऊपर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाएं, और यदि फिर भी बीमारी होती है तो झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े, तुरंत आप अच्छे अस्पताल में आके अपनी जांच कराएं, उपचार करें। डॉक्टर ने अक्षिता की मौत की वजह यानी कॉज ऑफ डेथ डेंगू और मल्टी ऑर्गन फेलियर बताया है। साथ ही नोएडा में अब तक 400 मरीजों की पुष्टि और 150 एक्टिव मरीजों की बात कही है। उधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक जिले में 254 डेंगू मरीजों की संख्या बताई गई है। हालांकि विभागीय आंकड़ों से इतर निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या और निजी अस्पताल में डेंगू से इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके मरीजों की संख्या में कई गुना का अंतर है। विभाग का दावा है कि पॉजिटिव मिले मरीजों के घरों के आसपास नियमित फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं जिन जगहों पर मलेरिया या डेंगू के लार्वा मिले हैं, वहां के मालिकों को नोटिस जारी किया जा रहा है, भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी डेंगू हमारी जिंदगियां लील रहा है। NBT ऑनलाइन के लिए नोएडा से मनीष सिंह की रिपोर्ट।